रिलीज हो गया है सलमान खान की मच अवेटेड बजरंगी भाईजान का ट्रेलर। पहले टीजर पोस्टर, फिर ट्रेलर का टीजर और अब ट्रेलर खुद सामने आ गया है। भाई इस फिल्म ने आने से पहले ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया है, स्पेशली इस फिल्म की कहानी। ट्रेलर से बात साफ हो जाती है कि ये एक छोटी बच्ची की कहानी है जो हिंदुस्तान में रह गई, छूट गई, और हमारे बजरंगी भाईजान उसे उसके घर यानी पाकिस्तान पहुंचाना चाहते हैं। पर क्या एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जैसी गदर में सनी देओल के लिए हुई थी। और हमारे सीधे साधे बजरंगी भाईजान अपने वादे को निभाने के लिए पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। वहां पर कई ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि पिक्चर में काफी कॉमेडी होने वाली है, लेकिन साथ ही सलमान खान का पेटेंट एक्शन होना तो फिल्म में तय है। एक बात पक्की है, ट्रेलर देखने के बाद डिसाइड हो जाती है कि फिल्म का म्यूजिक इतना चार्ज्ड अप, इतना पावरफुल है कि वो आपको थिएटर में चुप नहीं बैठने देगा। यानी कि सीटी तो बजानी बनती है बॉस। आ गए हैं हमारे बजरंगी भाईजान। फिल्म में उनका साथ दे रही हैं करीना कपूर, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नाजुक और नजाकत से भरी लग रही हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनका रोल भी फिल्म में ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा, क्योंकि ज्यादा रोल तो बजरंगी भाईजान और उस नन्ही सी मुस्कान का है जिसे वो लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान। फिल्म बहुत ताबड़तोड़ हिट होगी, ये बात पक्की है कि 300 करोड़ तो पार होंगे ही होंगे, लेकिन कितने दिनों में ये देखना है। जस्ट वेट फॉर द फिल्म बजरंगी भाईजान, और जैसे ही इसके बारे में कुछ और पता चलता है हम आपको जरूर बताएंगे।